जिंकल। आज यहाँ पे 24 कैरेट मिठाई के शॉप में आए हैं, कैसा लगा आपको और इस तरह की जो है मिठाई आपने लेने के लिए? यहाँ पे बहुत ही रश है, यहाँ पर मैं काजू कतली लेने के लिए आई हूँ, बहुत ही अच्छी होती है यहाँ पर। कहाँ से आते हैं? अडाजन से। चौबीस कैरेट क्यों पसंद है? क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत हाइजीनिक है यहाँ पर और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। कितने सालों से आ रहे हैं? मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर से ले जाती हूँ। अच्छा, तो आपकी आपकी कोई आपके फैमिली में आपके जो मेंबरशिप सभी को आपको इन्फॉर्म करते हैं इस तरह? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ से ही ले, क्योंकि यहाँ की सारी स्वीट्स बहुत अच्छी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। दरअसल दो दिनों के बाद जो है रक्षाबंधन का त्यौहार है, ऐसे में क्या कुछ शहर में चल रहा है, कहाँ पर कितनी मिठाइयाँ, कहाँ पर कितने लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर। बहनें जो हैं पहुँच रही हैं मिठाई की दुकान में, इस समय मौजूद है पार्ले पॉइंट पर, जहाँ पर 24 कैरेट जो है मिठाई शॉप है, वहाँ पर जो है और यहाँ की जो सूरत की जनता है और कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए जो स्वीट खरीदने के लिए आते हैं उनके बारे में जानते हैं क्या कुछ यहाँ पर माहौल बन रहा है। सीधे आपको अंदर ले जाते हैं और सीधे आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीर जो है, ये है 24 कैरेट मिठाई शॉप, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये तस्वीर पहले आप दिखा सकते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर सूरत शहर की जो जनता है, सूरत शहर के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, इसके अलावा गुजरात के अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट से, जिलों से भी यहाँ पर स्वीट खरीदने यानी कि मिठाई खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये दोनों साइड का ये भाग है जहाँ पर काजू कतली से लेकर जो है अलग 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 तरीके से बनाई हुई अलग अलग वेराइटीज़ की जो मिठाई है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब धीरे धीरे जो है क्राउड बढ़ने लगा है, क्योंकि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो नज़दीक आ रहा है। दो दिनों के बाद यानी कि 30 तारीख और 31 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, उसी के उपलब्ध में यहाँ पर आने वाले तमाम जो ग्राहक हैं वो अलग अलग जो वेराइटीज़ की जो मिठाई है वो ख़रीद रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं ये 24 कैरेट मिठाई शॉप है, जहाँ पर लोगों की भीड़ जो है आपको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बात साफ हो जाता है कि दो दिनों के बाद जिस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार जो है हर साल की तरह आता है, उसी तरह जो है इस जो है साल 30 और 31 तारीख को जो है रक्षाबंधन का त्यौहार। हमारे साथ जो है 24 कैरेट के ओनर जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर इस साल जो है बहनों के लिए किस तरह की जो है मिठाइयाँ तैयार की गई हैं, क्योंकि खास करके त्यौहारों में मिठाइयों का अहम रोल होता है, इसलिए मिठाई का स्वरूप जो है, मिठाई का जो क्वालिटी है उसके बारे में जानने के लिए सीधे हम हमारे साथ जो है ओनर हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम ब्रिज मिठाई वाला है। 2023 का जो रक्षाबंधन है वो भाई और बहनों का एक प्रेम का रक्षाबंधन होता है जी। उस प्रेम के बंधन को मिठास लाने के लिए किस मिठाई को आपने इस बार नया लुक दिया है, क्वालिटी दिया है? नया लुक तो नहीं दिया है, बट एक पूरा नया ही प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप। इस बार एक्चुअली जो भी चार फ्लेवर्स लाए ना हमने, उसमें बहुत सारा एक पर्सनल स्टोरी आप मान लो। एक्चुअली क्या हुआ कि आउट ऑफ द ब्लू मून मेरी सिस्टर ने मुझे बुलाया कि यू नो लेट्स हैव अ कॉफ़ी। तो आफ्टर 2-3 वीक्स जाके तो हमने टाइम सेट किया और हम जाके कॉफ़ी पी के आए, बट आफ्टर हैविंग कॉफ़ी विथ माई सिस्टर वी रियलाइज केट कि यू नो एक बहन के साथ भी कॉफ़ी पीना ज़रूरी है। सो फ्रॉम दैट वी टूक एन इंस्पिरेशन एंड वी क्रिएटेड अ प्रोडक्ट कॉल्ड कॉफ़ी विथ करण। पहले इसका नाम था कॉफ़ी विथ बहन, बट वो क्या है कि थोड़ा साउंड अच्छा नहीं कर रहा था, तो कमर्शियली लाने के लिए कॉफ़ी विद करण क्या है, इवन कॉफ़ी विद करण डेपिक्स कन्वर्जेशन। सो ये मिठाई जो हमने इंट्रोड्यूस किया ना, इट इज़ अ डेपिक्शन, एक इंस्पिरेशन है कि यू नो बहन के साथ भी कॉफ़ी पीना, उसके साथ बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में इतनी फास्ट पेस लाइफ है कि वो उसके लाइफ में बिजी है, इवन शी हैज़ किड्स डॉटर्स और उसका प्रोफेशन है, मेरे पास अपना खुद का बिजनेस है, मेरी एक फैमिली है। सो अमंग ऑल दिस एक भाई और बहन के बीच में कन्वर्जेशन होना बहुत ज़रूरी है, टू नो हाउ इज़ शी डूइंग, हाउ एम आई डूइंग, टू यू नो उसके लाइफ में जानना कि क्या चल रहा है। सो इंस्पायरिंग, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट वी क्रिएटेड कॉफ़ी विद करण। इट इज़ अ सिम्बॉल कि यू नो बहन के साथ भी कॉफ़ी पीना ज़रूरी है, एंड टू सिम्बोलाइज दिस कि अब हर कोई कॉफ़ी पीने तो नहीं जा सकता, तो एक कॉफ़ी का जो हमारी कॉफ़ी विद करण है दैट इज़ अ फ्लेवर विच इंक्लूड्स वॉलनट ट्रफल, मतलब इट हैज़ टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम वॉलनट मोका विच इज़ कॉफ़ी प्लस चॉकलेट एंड कैशू। सो एक नटी फ्लेवर देने के लिए वी हैव केम अप विद दिस, और टेस्ट करेंगे एक यू नो एक यूनिक फ्लेवर लगेगा।
मास्टर की अगर बात करें तो जिस तरह से जो फ्लेवर आपने तैयार किया हुआ है उसको किस तरह से आपने डिस्प्ले किया हुआ है, लोगों के बीच में कैसा रखा है, और किस तरह से मिठाई जो दिखता है क्या उसको आप बताएंगे कि किस तरह की जो क्वालिटी है, और उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? आपके जो तमाम जो ग्राहक हैं, सूरत नहीं पूरे गुजरात से लेकर तमाम जो ग्राहक आते हैं उनको ही दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वेराइटीज़ आप देख रहे हैं, ये हम जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये तस्वीर है 24 कैरेट जो मिठाई शॉप है वहाँ पर ये 4 जो अलग अलग मिठाई बनाई गई है, अलग अलग तौर तरीके से बनाई गई है। इसको जानने के लिए हम सीधा हर्ष भाई से बात करेंगे। हर्ष भाई एक्सप्लेन करिए कि कैसे इस तरह की मिठाई बनती है। ब्रिज भाई, ब्रिज मिठाई वाला। पहले तो जो अभी मैं वॉलनट की बात कर रहा था वो ये वाली मिठाई है जिसका नाम हमने कॉफ़ी विद करण रखा है। सेकेंडली ये रेड वेलवेट है, ये मेरा एक्चुअली पर्सनल फेवरेट है, रेड वेलवेट मुझे बहुत पसंद है, सो वी केम अप विद दिस। सेकेंडली थर्डली जो लेमन चीज़ केक, अभी किस चीज़ केक में लेमन फ्लेवर बहुत फेमस है, सो एक पहले को ब्रेक करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक मिठाई में लेमन फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया जाए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये टेस्ट करेंगे ना तो आपको लगेगा कि मिठाई में भी लेमन फ्लेवर अच्छा लग सकता है। एंड लास्टली बेरी बर्स्ट, दिस फॉर ऑल द पीपल जो फ्रूटी फ्लेवर पसंद करते हैं, सो इट इज़ अ मिक्स ऑफ फ्रूट्स एंड चॉकलेट, सो आप ये खाएंगे आपको लगेगा सारी बेरीज मुँह में बर्स्ट हो रही है, हैंस द नेम बेरी बर्स्ट। और एक सेकेंडली आजकल क्या है कि मार्केट इंडियन ट्रेडिशनल स्वीट्स से हट के जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है जैसे चॉकलेट्स और उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, सो वी वांट कि एक हमारा इंडियन ट्रेडिशनल स्वीट्स भी थोड़ा अपलिफ्ट हो, थोड़ा जो यंग जनरेशन का जो टेस्ट पहले है उनके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके हम इंडियन ट्रेडिशनल स्वीट्स को थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा नया इनोवेट करके उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। खास करके अगर इस सब बनाने के लिए कितना समय लगा होगा, किस तरह के विचार आपके अंदर आया, किस तरह का? जैसे कहा ना कि हम लोग इंस्पिरेशन डे टू डे लाइफ से ही लेते हैं, तो बहन के साथ कॉफ़ी पीने गए वहाँ से कॉफ़ी विद करण आया, लेमन चीज़ केक खाने गए तो वहाँ से लेमन पंक की फ्लेवर उठाई, फिर बेरी बस्ट एक आइसक्रीम है तो उसके अंदर ये बेरी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, सो फ्रॉम दैट वी टुक दिस। और रेड वेलवेट तो एज आई सेड इट इज़ माई पर्सनल फेवरेट, सो उसकी मिठाई बनानी ही थी। मतलब खास करके अगर कहा जाए कि जहाँ पर आप गए, जहाँ पर जिस चीज़ को खाया उसी फ्लेवर को जो है आपने चुना, और जो ज़्यादा लोगों को जो पसंद आता है खास करके इस तरह का आपने। हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं ना, जैसे आउट ऑफ इंडिया गए या कहीं पे भी, तो एक बैक ऑफ द माइंड एक चलता रहता है यार नया फ्लेवर कहाँ पे है क्या है। और एक सेकेंडली आप मतलब ये क्या है कि 87 ईयर्स से ये हेरिडिटरी बिजनेस चल रहा है तो थोड़ा खून में भी आ जाता है, सो फ्रॉम दैट और ऊपर वाले की भी रहमत है तो आता रहता है, दिमाग चलता रहता है, वी ट्राई एंड ब्रिंग। तैयारियां लेकर है दो दिनों के बाद जो है रक्षाबंधन जो है नज़दीक में है, कितनी शॉप हैं आपकी और क्या कुछ तैयारियां लेकर आपने तैयारी की है? रक्षाबंधन 24 कैरेट्स मिठाई मैजिक के लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार है, मतलब अगर मैं बात करूँ तो पूरे साल में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन रक्षाबंधन का दिन होता है, सो हमें तैयारी बहुत अच्छे से और बहुत प्लानिंग से करना पड़ता है क्योंकि इतना रश रहता है और हर एक कस्टमर हम चाहते हैं कि कंप्लीट सेटिस्फाई होके बाहर जाए, तो उसके लिए बहुत ऐसे कि जनवरी फरवरी से प्लानिंग चालू हो जाता है तब जाके हम ये दो दिन का इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं। अगर बात करें तो आपके कई सारे जो है शोरूम भी है, मिठाई के शॉप है, तो ग्राहकों को किस तरह से आप एक सूचना दे सकते हैं कि अगर कहीं पे ज़्यादा भीड़ हो तो कहीं और किसी ब्रांच पे जा सकते हैं इस तरह? उसके लिए हमने एक्चुअली एक हफ्ते पहले से ही एडवांस ऑर्डर लेना चालू कर दिया था, तो जो भी हमारे रेगुलर कस्टमर हैं उनको पता है कि एडवांस ऑर्डर देंगे, ऑर्डर रेडी मिलेगा, उनको बस ऑर्डर पिकअप करना रहेगा क्योंकि रश नो डाउट बढ़ेगा, बट जो अब जो कस्टमर आएंगे तो उनके लिए बस विनती है कि जो मॉर्निंग आवर्स है 8:30 to 10:30 ये थोड़ा स्लो पेस वाला पीरियड होता है, तो वहाँ पे आ जाए तो हम भी अच्छे से सर्विस दे पाएंगे और प्रोडक्ट भी अच्छे से उनको दिखा के पैक करके कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। कहीं ना कहीं जो है दो दिनों के बाद जो है रक्षाबंधन हिंदुत्व का एक त्यौहार माना जाता है, भाई और बहनों का जो प्रेम का ये मिलन होता है जहाँ पर रक्षा बंधन को जो है बांधकर जो है अपना प्रेम जो है कहीं ना कहीं बहन जो है भाई के साथ का एक मिलन होता है, इसी रक्षाबंधन का एक बड़ा त्यौहार होता है। इसमें मिठाइयों का जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है क्योंकि मीठा जो ही है जो प्रेम के भाव को
जो है वो दूसरों को प्रेम दे सकता है। इसीलिए ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी ग्राहक हैं, यहाँ पर ग्राहक से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप मैं यहाँ ही रहता हूँ सूरत में। कितने सालों से आप आ रहे हैं सर? अभी तो याद भी नहीं है, 30-40 साल तो हो गए। मैं तो यहाँ से ही लेता हूँ। कौन सी सूट आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे हलवे ज़्यादा पसंद आते हैं। हलवा अलग अलग फ्लेवर आती है, वो बहुत मज़ा आता है। एक तो ऐसा है यहाँ पे, जब भी मिठाई लो तो वो एक मिठाई खिलाते हैं तो एक अलग होता है, लेकिन फिर भी उसका जो टेस्ट और ये सब बहुत मज़ा आता है। उसकी वैरायटीज बहुत है, जगह तो बहुत है लेकिन वैरायटीज बहुत है। हाँ, वैरायटीज क्वालिटी सब मिला के, भाव वैरायटीज क्वालिटी तीनों तीन चीज़ में ये सबसे ऊपर है। और नाम भी इतना अच्छा है, 24 कैरेट्स यार। ग्राहकों की जो पसंद है वो स्वीट, और इसके अलावा क्वालिटी, और यहाँ पर सर्विस को खास करके ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर आने वाले तमाम जो ग्राहक हैं बेहद सर्टिफाइड हैं, इसीलिए 24 कैरेट का बेहद नाम है। सूरत नहीं, पूरे गुजरात नहीं, पूरे इंडिया से आउट ऑफ कंट्री भी इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यहाँ से जो है मिठाइयाँ बाहर भी जाती हैं, लोग यहाँ से आके ले जाते हैं। यहाँ पर आने वाले तमाम जो ग्राहक हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से ही मिठाई अधिकतम खरीदते हैं। अलग अलग फ्लेवर की मिठाइयाँ हैं, आप देख सकते हैं काउंटर पे जिस तरह से यहाँ पर क्राउड लग रहा है। यहाँ पे एक बहन जी हैं, आई हुई हैं, तो खास करके हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहन क्या कैसे? तो अधिकतर जो बहनें हैं खास करके रक्षाबंधन पर जो है स्वीट खरीदने के लिए यहाँ पर अधिकतम आती हैं, क्योंकि भाई को जो है स्वीट खिलाने की बहुत अधिकतम ये जो फार्मूला है ये पहले से चला आ रहा है। इसीलिए जो है ये शॉप है, और शॉप के दोनों साइड में जो है यहाँ पर पार्ले पॉइंट का ये शॉप है 24 कैरेट। इसके अलावा आपको रांधेर में भी और अलग अलग इलाके में भी इनका शॉप है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है स्वीट की जो है कहीं ना कहीं बिक्री होती है। तो खास करके एक बार फिर जो है हम आपको ये तस्वीर दिखा दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपको भी मिठाई अगर लेनी है और क्राउड ज़्यादा आपको ऐसा लगता है तो आप 24 कैरेट के जो तमाम जो शॉप है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा खास करके ध्यान आपको रखना होगा कि मिठाई की क्वालिटी और सर्विस जो है अधिकतम लोगों का ये मानना है, लोग यहाँ पर आने वाले तमाम ग्राहकों का मानना है कि 24 कैरेट जैसा कोई भी क्वालिटी और वैराइटीज नहीं दे पाता है। यही वजह है कि जो आसपास के लोग हैं, जो सूरत शहर के अलावा जो है अन्य ज़िलों से जो आते हैं, वो 24 कैरेट पार्ले पॉइंट पर पहुँचते हैं, और यहाँ से तमाम जो अलग अलग वैराइटीज की जो स्वीट है वो बहनें जो हैं वो तमाम परिवार जो है यहाँ से खरीद कर अपने घर पर ले जाता है, और रक्षाबंधन के दिन उसी स्वीट को, उसी मिठाई को भाई के हाथों में रक्षा बांध कर उसी स्वीट को खिलाता है। तो एक प्रेम और भाव का जो ये हिंदुत्व का त्यौहार है ये धूमधाम से मनाया जाता है। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत।